फैक्ट है कि मॉम को नहीं है भरोसा निकिता अम्बोली पर। नहीं चाहती है वो कि राहुल वैद्य और निकिता अम्बोली कभी भी खेले मिलकर। क्या है आखिर का राज, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं वरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में आने के बाद कई चीजों पर टिप्पणी करती हुई नजर आई है राहुल वैद्य की मॉम, और इन्होंने टिप्पणी करने के बाद में कहीं ना कहीं कई चीजों का खुलासा भी किया है। तो यहाँ पर निकिता अम्बोली को बड़ी बात कहती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा कि निकिता अम्बोली पर विश्वास नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ कि निकिता अम्बोली और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी भी निकी जो है वो डिच कर सकती है, क्योंकि निकी भी खुद अपना गेम खेलने के लिए आई है घर के अंदर, वो कोई दोस्त या कोई रिश्ते बनाने के लिए नहीं आई है। जो कि ये चीज जो है एक्सेप्ट भी की जा सकती है, अंडरस्टैंड भी की जा सकती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर राहुल की मम्मी ये वाली बात भी कहती है कि वैसे तो जब भी दोस्त की बारी आती है या कुछ भी होती है, तो निकिता अम्बोली कहती है कि राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जैसे कि जब उनसे पूछा जाता है कि उनके लिए इस घर में कौन है, वो किसे मानती है या कोई उनके लिए है, तो वो साफ मना कर देती है कि इस घर में उनका कोई भी अपना नहीं है और ना कभी हो सकता है। वेल, राहुल वैद्य की मदर की इस बात से आप लोग कितना सहमत है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।